तुर्की की पाबंदी से रूस को बड़ा झटका लगा है। कैसे आप देखिए, ब्लैक सी में तुर्की की पाबंदी से रूसी जहाज अटक गया है। ब्लैक सी के पश्चिमी क्षेत्र में रूसी जहाज पर पाबंदी लग गई है। दरअसल पैसिफिक से होकर गुजर रहे रूसी वॉरशिप्स, और ये देखिए तुर्की की जो पाबंदी है उसके बाद अब ब्लैक सी में किस तरह से, क्योंकि ब्लैक सी में अपनी फ्लीट को मजबूत करना, खुद को कंसोलिडेट करना, ये इस वक्त रशिया चाहता है। बाल्टिक सी में हम देख रहे हैं, वहां पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है रशिया, वहां से नेटो कंट्रीज को आग दिखाता हुआ रशिया नजर आ रहा है। और अब यहां पर देखिए तुर्की ने कैसे वॉरशिप जो कि ब्लैक सी में जो पश्चिमी छोर जो कि तुर्की से लगता हुआ है वहां से जब होकर गुजर रहा था तो उसको रोक दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है रूस के लिए। अब समझना होगा कि तुर्की की ओर से ये जो पाबंदी लगाई जा रही है रूस के ऊपर, रूस की वॉरशिप को रोका जा रहा है, इसके मायने क्या हैं? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। क्या तुर्की ये संकेत देना चाहता है रूस को? क्योंकि आपको याद होगा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में और युद्ध रोकने के लिए मीडिएटर बनने की भूमिका तुर्की ने निभाई थी, और तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगान वो बार बार ये कहते रहे हैं कि दोनों ही देशों को बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, बातचीत की टेबल पर आना चाहिए और ये युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन इस बीच एक नया एंगल है कि रूस की वॉरशिप को आखिर क्यों तुर्की की ओर से रोका गया है ब्लैक सी में। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे बिग वॉल पर कि आखिर क्या चल रहा है इस वक्त तुर्की के मन में। देखिए बोस्फोरस से डार्डानेल्स स्ट्रेट्स पर तुर्की का ये संचालन है, और 28 फरवरी से यहां पर वॉरशिप की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पाबंदी की वजह से रूस के कई वॉरशिप ब्लैक सी में अटक गए हैं, रुक गए वहां पर, आगे नहीं बढ़ पा रहे। रूसी जहाजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है इसी वजह से, क्योंकि तुर्की ने ये पाबंदी लगा दी है। देखिए प्रशांत, आर्कटिक में महीनों लंबी यात्रा करनी पड़ रही है रूस की वॉरशिप को, और कई इसके नुकसान भी रूस को उठाने पड़ रहे हैं। वजह क्या है तुर्की की इस पाबंदी की? संदीप जी, क्या आप समझा पाएंगे? क्योंकि एक समय तो यह भी था कि तुर्की रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर लाना चाह रहा था और कह रहा था कि युद्ध खत्म करो, लेकिन अब रूस के वॉरशिप को रोकने का मतलब ब्लैक सी में तुर्कियों की ओर से क्या समझा जाए? देखिए तुर्की कैसा देश है जिसकी विश्वसनीयता हमेशा संदेह पर रही है। आपने भी अपनी इसमें कमेंट्री में कहा कि शुरू से लेकर के पहला तो वो ये इस पोजीशन में था कि हम मेडिटेट कर दें, मध्यस्थता की भूमिका बनाएं, लेकिन उसकी मध्यस्थता बड़ी संदेह पर पूरी तरह से गिरी रही। कभी वो अमेरिका की तरफ झुकता है, कभी रूस की तरफ झुकता है। तो इस तरह से जो अभी इसका डिसीजन है जो लिया है कि जो रूस के जो वॉरशिप को ब्लैक सी में रोका है, तो मुझे लगता है एक तरह का एक मैसेजिंग है मास्को के लिए कि देखा हम आप पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, एक तरफा नहीं रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपना एक मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो मनमानी चाहे, आपका जो मन चाहे आप करते रहे और हम उस पर लगाम नहीं लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।